मैंने ये मंत्री से ये कहा कि संवैधानिक पद की शपथ होने के नाते जितनी जानकारी मेरे पास है सब एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। फिर मेरी आत्मा ने ये कहा कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर ये बात उन्हें कहनी जरूरी है। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से ये कहा कि जो भी कुछ हुआ है, जो भी पैसों की बात है, वो किसका पैसा है, वो पैसा कहाँ से आया सत्येंद्र जैन के पास, और वो नगद पैसा क्यों था। आप सारे विधायकों को बुलाकर और कार्यकर्ताओं को बुलाकर इस संबंध में जानकारी दें तो उसके पैसा कहाँ से आया। और अगर आप क्षमा, हो सकता है गलती हुई हो, गलती सबसे होती है, अरविंद केजरीवाल जी भी एक इंसान है, हो सकता है उनसे गलती हुई हो, मैंने कहा आप क्षमा मांगे, जानकारी दें, तो उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। संवैधानिक पद में होने के नाते मेरे को एंटी करप्शन ब्यूरो को ये बात बतानी होगी, और ये बात कहकर मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर से वापस आ गया। उसके बाद विधायकों की मीटिंग हुई, मुझे लगा विधायकों की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जी इस संबंध में चर्चा करेंगे, पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। और उसके बाद रात को जो खबर आई, अभी तक भी आधिकारिक तौर पर शिष्टाचार के तहत भी मेरे को बुला के उसकी जानकारी नहीं दी गई। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में कई ऐसे जानकारियां हैं सत्येंद्र जैन जी के बारे में जो सबको मालूम है, किस प्रकार से जमीनों का मंत्री रहते हुए और मंत्री रहने से पहले किस प्रकार से बेटी को और रिश्तेदारों को पदों पर रखा गया। और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। कुर्सी जाती है तो जाए, प्राण चला जाए, बापू की समाधि के सामने खड़े होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्राण भी चला जाए तो चुप नहीं रहूंगा और चुप कोई नहीं रहेगा। मैंने माननीय दोस्त, पहले तो मैं आपको अपनी जानकारी देता हूँ अपने बारे में। सन 2004 से आंदोलनकारी हूँ, जैसिका लाल हत्याकांड के केस में आंदोलन की शुरुआत करने वालों में से हूँ। कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ सत्याग्रह किया था, कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ किताब लिखी थी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी, प्रशांत भूषण जी सब लोग खुद आए थे लॉन्च करने के लिए। 15 साल से आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फाउंडर मेंबर हूँ। जब 10 लोग बैठे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नामकरण करने के लिए, तब से इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ा हुआ हूँ। आम आदमी पार्टी का पहले दिन से कार्यकर्ता हूँ। अपनी नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आके चुनाव लड़ा, हारा, उसके बाद जीता। पहले शायद तोमर साहब को मंत्री बनाया गया, तोमर साहब को सर्टिफिकेट दिया गया कि इनके सारे कागज ठीक हैं, मैंने खुद देख लिए, फिर तोमर साहब भी हटे। उसके बाद आज सत्येंद्र जैन जी को भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ईमानदारी का, लेकिन कागज मैंने भी देखे हैं, अपने हाथों से उनको कैश लेते हुए मैंने देखा है। और कैबिनेट में 2 साल होते हुए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को बयान देकर आया हूँ, चाहे CBI में, एंटी करप्शन ब्यूरो में, किसी भी एजेंसी के सामने खड़े होकर जितने भी बयान देने हैं अपनी व्यक्तिगत, तो यही सबसे बड़ा सबूत होता है जब एक कैबिनेट का 2 साल का साथी, 15 साल का आंदोलन का साथी अपनी आंखों से बोली हुई चीज को उपराज्यपाल को ऑन रिकॉर्ड, बयान या आरोप नहीं है, ऑन रिकॉर्ड उपराज्यपाल महोदय को देकर आया हूँ। और इसके बाद ACB, CBI सबको बताऊंगा जाकर। तो तीसरी बात, ये केवल एक मिनट साहब, उनके घर के अंदर कैश का लेन देन हुआ है, मैं बयान दूंगा। और सत्येंद्र जैन जी के जितने भी रिकॉर्ड है, मेरे को लगता है वो जनता के सामने लाने बहुत जरूरी है। क्यों सत्येंद्र जैन जी के भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश और खुद कैश लेने की क्या जरूरत आ पड़ी, ऐसा क्या प्रयोग था उस कैश का। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में कुछ भ्रष्टाचारी आ गए हैं, कुछ लोगों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने की आदत पड़ गई है। तरह तरह के मामले सामने आते हैं, कभी बस के घोटाले के, कभी टॉक टू ए के घोटाले के, कभी पैसों के घोटाले के। कार्यकर्ता दूर खड़ा होकर देखता रहता था एक उम्मीद में कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, वो कभी पैसा नहीं ले सकते। आज दुख के साथ, लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दे। पैसे पता चला कि 2 करोड़ जैन जी ने अपने मुंह से बोला कि एलजी साहब को सारे डिटेल दिए मैंने।
बिल्कुल इन्वॉल्व है। मैं अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी। एक सवाल, क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? कानून अपनी कार्रवाई करे।